हेलो एवरीवन तो अब हम हमारा अगला टॉपिक है लैम्डा फंक्शन आपने नाम सुना ही होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो चलो शुरू करते हैं लैम्डा फंक्शन तो यहां पे मैं लिख देता हूं लैम्डा फंक्शन तो दोस्तों पहले इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंस ही समझ लेते हैं क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ई डब्लस है ठीक है, है और ई डब्लस का रीजन है मान लो नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन है और नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में आपके ई सी टू चल रहे हैं और मान लेते हैं कि हंड्रेड ऑफ ई सी टू चल रहे हैं ठीक है और भी नंबर ऑफ सर्विसेज चल रही हैं और ऐसा होता है कि हंड्रेड ऑफ़ ई सी टू में पचास टू, नाइट में यूज ही नहीं होते तो हमने डिसाइड किया भाई जो नाइट में यूज नहीं होते उसको क्या करते हैं सट डाउन कर देते हैं तो भाई साहब पचास स्टॉप करोगे मैनुअली तो टाइम लगेगा तो बात आती है कुछ ऑटोमेशन की राइट तो अब ऑटोमेशन की बात आती है तो भाई साहब इन्होंने एक सर्विस दी आपको लामडा फंक्शन इन्होंने कहा कि आप एक काम करो हमारी सर्विस है लामडा लामडा पे जाओ और एक फंक्शन बना लो क्या बनाओ लामडा पे जाओ और एक फंक्शन डिप्लॉय कर लो और जब आप फंक्शंस को बनाते हो तो आपको पूछा जाता है कि ये फंक्शन जो बना रहे हो आप इसको किस इन्वायरमेंट के साथ बना दो मतलब पाइथन बेस बना दूँ या जावा पे बना दूँ या रूबी पे या नूटेज पे मतलब आप फंक्शन के ऊपर क्या करते हो दोस्तों कोड लिखते हो है ना कोडिंग लिखते हो किस चीज की कोडिंग जो भी टास्क आपको ऑटोमेशन कराना उसकी कोडिंग लिखते हो तो अगर आपकी कोडिंग पाइथन पे है तो फिर आपको प्लेटफॉर्म पाइथन का चाहिए और अगर आपकी कोडिंग जावा पे तो फिर आपको जावा पे चाहिए तो एक तो तरीका ऐसा है कि आप एक ई बना लो उसके ऊपर खुद पाइथन इंस्टॉल कर लो अपना स्क्रिप्ट डिफाइन कर दो वैसा कर सकते हो लेकिन वैसा करने से ड्रॉपिक क्या है कि भाई साहब आपको खुद इन्वायरमेंट रेडी करना पड़ रहा है और वो जिस, जिस वो इन्वायरमेंट को आपको ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ऑन करके रखना पड़ेगा तो उसके चार्जेस भी जाएंगे लेकिन यहां पर ए क्या बोलता है कहता है आप क्या करो एक फंक्शन डिप्लॉय कर लो फंक्शन जो बनेगा वो किसी हार्डवेयर पे चल रहा है बोले तो हार्डवेयर के ऊपर ओएस होगा ओ पे चल रहा है लेकिन आपको उस ओएस और हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है और हम आपसे उस वे और हार्डवेयर का चार्जेस भी नहीं लेने, आप सिर्फ फंक्शन बनाओ और फंक्शन को डिप्लॉय कर दो अब आपका फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा और जितने टाइम तक चलेगा उतने का पैसा दे देना उससे ज्यादा का पैसा हम मांगेगी भी नहीं मतलब आपके लिए एनवायरमेंट जो है फंक्शन का वो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन लाइफ है लेकिन आपने जो फंक्शन उसके ऊपर डिप्लॉय किया है वो फंक्शन ट्रिगर होता है आप देखो फंक्शन ट्रिगर होने का मतलब क्या है आप कंडीशन बेस पे ट्रिगर करा सकते हो कि भाई अगर ये इसी नहीं हो रहा हो तो ट्रिगर कर दो उसके अंदर कोडिंग लिखी है स्टॉप करने का स्टॉप हो जाएगा ये कंडीशन बेस ट्रिगरिंग हो गई आप मैनुअल ट्रिगर करा सकते हो आप किसी थर्ड पार्टी टूल से भी ट्रिगर करा सकते हो तो जब वो फंक्शन ट्रिगर हुआ और चलने में जितना टाइम लिया उसमें दो सेकेंड बीस सेकेंड एक मिनट दो मिनट तो दो मिनट का ही चार्ज लेंगे वो आपसे बस उससे ज्यादा का नहीं लेते लेकिन एन्वायरमेंट आपके लिए जो ये जो इन्वायरमेंट होगा ये आपके लिए ट्वेंटी फोर इंटू सेवन लाइफ होगा तो ये बेनिफिट है दोस्तों लामडा फंक्शन का सबसे बड़ा तो हम क्या करते हैं हम अपने ए की रिसोर्सेज पे कुछ भी ऑटोमेशन कराना है कि भाई एक बकेट के ऊपर जब कोई चीज डिप्लॉय हो तो ये हो जाए एक लोड बैलेंसर पर अगर इतना हिट आए तो ये हो जाए तो ऐसा ऑटोमेशन वगैरह हम क्या करते हैं अपने फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और जब हम इसकी लैब करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा तो चलो ठीक है फिर लैब में मिलते हैं बाय बाय